पैरेट्स है। फिर लिखेंगे सोडियम, फिर इसके बाद स्पेस देंगे, केटायन का नेम हो गया पेंटा साइनाइडो, सोडियम पेंटा साइनाइडो, और एफई के साथ एनओ प्लस वन में होता है, मैंने पहले बताया था। हाँ नाइट्रो, इसका नाम होगा नाइट्रोसिल। पहले नाइट्रोसिलियम, सिलियम, नाइट्रोसिलियम, फेरेट। बताइए यहाँ पे फेरेट में इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, एफई की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो देखो यहाँ पर एनए की तो प्लस वन होगी, तो टू इंटू प्लस वन प्लस एफई की एक्स हो गई फाइव इंटू माइनस वन, और एनओ की प्लस वन लेंगे एफई के साथ, अदरवाइज एनओ की जीरो लेते हैं हम लोग, तभी तो मैंने नाइट्रोसिलियम लिखा है यहाँ पे। तो प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर एक्स क्यूब कितनी आ गई, प्लस टू प्लस थ्री, एक्स क्यूब कितनी आ गई यहाँ पे, प्लस टू आ जाएगी क्या यस। बताइए? हाँ, ये बात ध्यान रखने जरूरत है आप लोगों की, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इस कंपाउंड का एक कॉमन नेम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड। कभी कभी जेई मेन से पूछ लेते हैं कि सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड का आईयूपीएसी नेम क्या है, तो बच्चों को सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड का कंपाउंड याद नहीं आता है। ये सल्फर के टेस्ट में भी यूज करते हैं इस कंपाउंड को, ठीक है? जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ ब्राउन रिंग, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ ब्राउन रिंग, ब्राउन रिंग का आईयूपीएसी नेम क्या है? तो अब ब्राउन रिंग का फॉर्मूला नहीं पता होगा आप लोगों को, सो ब्राउन रिंग इज दिस Fe H2O whole 5 NO NSO4, ये ब्राउन रिंग का फॉर्मूला है। नाउ टेल मी इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, बताइए? क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम? पेंटा पेंटा एक्वा, राइट, पेंटा एक्वा, और नाइट्रोसिलियम, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिलियम, फेरेट हो गया, आयरन हो गया, इस बार फेरेट होगा कि आयरन होगा? आयरन आयरन। और स्टेट क्या आएगी इसकी, बताइए जल्दी से। टू और श्योर Fe की एक्स, H2O की जीरो, टी NO की प्लस वन, और SO4 की माइनस टू, सो एक्स इक्वल टू प्लस वन नहीं आ रहा है। इस तरह कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट में आप जरूर गलत कर सकते हैं, प्लीज ध्यान रखना। नाइट्रोप्रुसाइड Fe के साथ जब भी NO होता है तो वो जनरली प्लस वन स्टेट में होता है, तब इसका नाम नाइट्रोसिलियम लिख रहा हूँ, अगर ये जीरो स्टेट में होता तो इसका नाम नाइट्रोसिल होता है केवल। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग। प्लीज डोंट इरेज।
अभी इरेज कर सकता हूँ? ओके, अब देखो अगर आईयूपीएससी आप सीख गए हैं तो इसका रिवर्स करना आना चाहिए, क्योंकि अब अच्छे क्वेश्चन रिवर्स में बनते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हेक्सामाइन, क्वेश्चन है राइट फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग आईयूपीएसी नेम, राइट फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग आईयूपीएसी नेम, हेक्सामाइन प्लैटिनम फोर्थ क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्सामाइन प्लैटिनम फोर्थ क्लोराइड। बताइए इसका क्या फॉर्मूला लिखेंगे? प्लैटिनम एनएच थ्री का होल सिक्स हो गया, इसके बाद सीएल फोर। हाँ वेरी गुड, देखो आपने ऑक्सीजन स्टेट से पता लगा लिया कि यहाँ पर सीएल फोर होंगे, वो भी सारे बाहर होंगे क्योंकि क्लोराइड लिखा है। अगर क्लोराइडो लिखा होता तो इसका मतलब सीएल कहाँ पर होता, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर होता। तो ये नेम सजेस्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर रखना है बाहर रखना है, तो यहाँ पर सीएल फोर होगा क्लोराइडो में, ठीक है। इसे एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड, फेरेट थर्ड, सॉरी पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड। बताइए इसका क्या नेम हो सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सारे ये। आदित्य आप ट्राई करना पहले। वॉट के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स? यस सर। अच्छा के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स अगर है तो बताइए कि यहाँ पर एफ ई की ऑप्शन स्टेट क्या आएगी? अंदर प्लस टू आ जाएगी, यहाँ पर थर्ड है। हाँ यहाँ पर थ्री आएगा, आंसर आएगा। पता है इसका यह है पोटेशियम के थ्री एफ ई सी एन का होल सिक्स। किसी बच्चे को इसका नाम पता है क्या होगा के थ्री एफ ई सी एन का होल सिक्स? इसका नाम, इसका कॉमन नेम क्या होता है? देखो अगर यहाँ पे के फोर होता तो इसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, के थ्री है तो इसका नाम होता है पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ये पोटेशियम फेरी साइनाइड, अगर के फोर होता तो फेरो और के थ्री है तो फेरी होता है प्लस थ्री वाले में। और इसके बाद जो मैं आपको देता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखना इसमें आप 100% गलत करोगे इस क्वेश्चन को जो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, और इसको सही कर देते हो तो समझ लो कि ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। देखो नेक्स्ट है आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। बताइए हाउ विल यू राइट फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही ज्यादा। सर Fe4
फिर सर ब्रैकेट स्टार्ट एफ ई सी एन सिक्स सर ब्रैकेट क्लोज होल थ्री। कितनी जल्दी आप बता देते हो, कैसे इतनी जल्दी आपको माइंड स्ट्राइक कर जाता है? सर ये देखा था कल बुक में, सर पैशन भी होएगा नहीं। हाँ बट आपको याद है मतलब इसको क्या बोल रहे हो आप? हाँ प्रशन ब्लू है, बिल्कुल सही, दिस इज प्रशन ब्लू। तो देखो लिखते वक्त हमें पहले इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये तो हमें पक्का पता है कि सी एन का होल सिक्स है यहाँ पर, और इसके साथ जो एफ ई है वो प्लस टू स्टेट में है, राइट। तो एफ ई अगर प्लस टू स्टेट में है, बच्चों ध्यान देना, अगर एफ ई प्लस टू स्टेट में है तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए कि प्लस टू आ जाए, बताइए। एफ ई एक्स हो गया, मैं तो ये बता रहा हूँ कि मेथड क्या है निकालने का, क्योंकि अगर याद है आपको तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें याद ना हो आपको तो फिर क्या करोगे? तो पहले बताओ एफ ई की टू स्टेट कैसे आ सकती है, सिक्स इंटू माइनस वन इक्वल टू मैं क्या करूँ बताइए जिससे प्लस टू आ जाए? माइनस फोर। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स ऊपर माइनस फोर चार्ज होगा तब ये प्लस टू स्टेट में आ सकता है, और इसके बाहर किसमें एफ ई में है, थर्ड स्टेट में है। तो एफ ई बाहर अगर थर्ड स्टेट में है और ये फोर इस पे चार्ज है तो क्या करना पड़ेगा, इस पे प्लस थ्री चार्ज है इस पे फोर चार्ज है, कैसे बैलेंस हो सकता है चार्ज? यहाँ पर हमें फोर ऐड करना होगा और इसको होल थ्राइस करना होगा, ये मेथड है इसका फॉर्मूला निकालने का। नहीं समझ आया तो प्लीज टेल मी। नहीं आया ना, देखो पहले मुझे बताओ क्या यहाँ तक समझ में आ गया था? ये नहीं है अभी मान लो, तो एफ ई की प्लस टू स्टेट आने के लिए यहाँ पर फोर माइनस चार्ज होना चाहिए, क्या ये समझ में आ गया था आपको? यस सर। बाहर आयरन किस स्टेट में है, थर्ड स्टेट में है, तो क्या आयरन पे प्लस थ्री चार्ज है? अब आयरन पे प्लस थ्री चार्ज है, इस पे माइनस फोर चार्ज है, कैसे कॉम्प्लेक्स लिखा जाएगा साथ में, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कैसे लिखा जाएगा? तो इसकी स्टेट थ्री है, इसकी पूरे कॉम्प्लेक्स में चार्ज फोर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं फोर और थ्री से, कैसे न्यूट्रल हो सकता है बताइए आप? हाँ तो ये एफ ई फोर और एफ ई सी एन का होल सिक्स और होल थ्राइस, इसे प्रोशन ब्लू कहते हैं। देख लो कितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड में डिस्कस कर रहा हूँ आज आपसे, प्रोशन ब्लू, ठीक है, दिस इज प्रोशन ब्लू। इस तरीके से आप कंपाउंड के फॉर्मूला लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं अभी एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेटो एल्यूमिनेटर, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट थर्ड, बताइए हाउ विल यू राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? तो पोटेशियम बाहर है, अभी हमको नहीं इन्फॉर्मेशन पोटेशियम कितने हैं, और ये यहाँ से कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है, ट्राई ऑक्सीलेटो है तो ऑक्सीलेटो कैसे लिखेंगे, C2O4 का होल थ्राइस, दिस इज ट्राई ऑक्सीलेटो, और एल्यूमिनेट यहाँ पर एल्यूमिनियम लिख दिया। अब बताइए ऑक्सीलेट पे माइनस जो है टू होता है, एल्यूमिनियम के एक्स एल्यूमिनियम की एक्स स्टेट है या प्लस थ्री ले सकते हो, एल्यूमिनियम थर्ड दे रखा है तो एल्यूमिनियम प्लस थ्री है, ऑक्सीलेट माइनस टू होता है, तो इक्वल टू जीरो रखने के लिए पोटेशियम कितने होने चाहिए? थ्री। पोटेशियम प्लस थ्री होने चाहिए यानी कि थ्री, ये फॉर्मूला आ गया। सभी बच्चे समझ रहे होंगे, इस तरीके से हम फॉर्मूले निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स के। ठीक है,
सो नाउ आप आईयूपीएससी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं बॉन्डिंग इन क्वार्टरिंग कंपाउंड्स. हर टॉपिक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्नर. तो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जैसे आप किसी क्वार्टरिंग कंपाउंड को इस तरह ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग, तो एक्चुअल में ये कैसे पता चलता है वो हमें यहाँ सीखने मिलेगा. ये सबसे पहली थ्योरी थी वर्नर की जो कि इन्होंने 1892 में दी थी बच्चों, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था क्योंकि इनकी थ्योरी के बाद ही क्वार्टरिंग कंपाउंड की स्टडी ईजी हो पाई थी, आसान हो पाई थी. ठीक है, देखो एग्जैक्टली मैं वो एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो इन्होंने सबसे पहले या जो इन्होंने अपने पेपर में पब्लिश किया था जिस थ्योरी को. देखो समझने के लिए वी हैव ए कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड COCl3, एक बीकर में हमारे पास कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड है COCl3, और इन्होंने इसमें 6 इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया ऐड कर दिया. COCl3 एक बीकर में है जिसमें कोबाल प्लस 3 स्टेट में है. कोबाल की स्टेट क्या है COCl3 में? प्लस 3 है बच्चों. और इसमें जैसे अमोनिया ऐड कर दिया .6NH3, सो क्या देखा गया कि इस कंपाउंड में कोबाल 3+ की अब्सेंट, मतलब कोबाल 3+ अब्सेंट हो गया, कोई कॉम्प्लेक्स बन गया अंदर. बट कोई नहीं जानता था उस टाइम पे कि कॉम्प्लेक्स क्या बना. COCl3 में जब 6 इक्विवेलेंट अमोनिया डालते हैं तो सम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, एंड ये नहीं पता कि क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है. एंड इसका कुछ कलर आ गया, और कलर को मैं ले सकता हूँ ये कि ये येलो कलर है, अदर कलर की भी कोई जरूरत नहीं है. इसके बाद उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट में क्या किया, COCl3 मॉलिक्यूल में 5 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया डाले, और जब 5 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया डाले तो इसको रिप्रेजेंट किया गया COCl3.5NH3 से, और इस बार मॉलिक्यूल का कलर चेंज हो गया. ठीक है, ये कलर जो हो गया वो पर्पल कलर है. अब ऐसा क्या हो रहा है बार बार, क्या कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अभी इसकी नॉलेज नहीं है. इसके बाद हमने थर्ड बीकर लिया और उसमें कोबाल ट्राइक्लोराइड में हमने 4 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 ऐड किए COCl3.4NH3, और फिर से इसका कलर चेंज हुआ और ये जो मॉलिक्यूल है दैट वाज वायलेट इन कलर. इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया बीकर और इसमें COCl3.4 3NH3 ये मॉलिक्यूल लिया, और इसमें जो कॉम लिखा हमने COCl3 4NH3 मिक्स्ड है, 3NH3 मिक्स्ड है, और इसका कलर भी अलग आया, सम डिफरेंट कलर, इट वाज ब्लू ग्रीन. तो इस बात की ही स्टडी करनी थी कि ऐसा क्या हो रहा है कि जब COCl3 इंडिविजुअल होता है एक्वस सॉल्यूशन में तब ये Cobalt-3+ का टेस्ट देता है, या COCl3 जब मॉल्टन स्टेट में होता है तो Cobalt-3+ का टेस्ट आता है. जैसे अमोनिया जाते हैं तो Cobalt-3+ ऑप्शन हो जाता है और कंपाउंड का कलर भी चेंज हो जाता है. एंड जैसे जैसे हम अमोनिया की क्वांटिटी को चेंज करते रहते हैं वी कैन सी द कलर ऑफ द कंपाउंड इज चेंजिंग. सो बताओ क्या स्टडी करना है यहाँ पर कि क्या कंपाउंड बन रहा है.
नाउ इस बीकर को मैंने नेम दे दिया ए बी सी और डी। इन्होंने सबसे पहले कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट किया, कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट किया या कंडक्टिविटी चेक किया। तो कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ आयंस पे और मोबिलिटी ऑफ आयंस पे, यस या नो? तो कंडक्टिविटी जब एक्सपेरिमेंट किया तो ही फाउंड कि ए की कंडक्टेंस बी से ज्यादा आई, बी की कंडक्टेंस सी से और सी की कंडक्टेंस डी से ज्यादा आई। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया दैट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट और इससे बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। उन्होंने क्या किया, इन सभी मिक्सर में एक्सेस AgNO3 को ऐड किया। एक्सेस AgNO3 एडेड इन ऑल मिक्सर, इन सभी मिक्सर में एक्सेस AgNO3 को ऐड किया गया। और AgNO3 को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिला उसको समझना ध्यान से। एक कंपाउंड ने बच्चों, एक कंपाउंड ने थ्री मोल AgCl PPT दिया, सॉलिड PPT, वाइट PPT एक कंपाउंड ने, ठीक है। कंपाउंड बी ने 2 मोल AgCl PPT दिया, कंपाउंड सी ने 1 मोल AgCl PPT दिया बच्चों, और डी कंपाउंड ने 9 AgCl PPT। इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखने को मिल रहा है? क्योंकि आप पहले प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम यह है कि हाउ टू राइट दिस कॉम्प्लेक्स। अभी तो हमने ब्रैकेट लगा दिया था, लेकिन सबसे पहले किसने सोचा होगा ये सब बातें? तो अगर इस कंपाउंड ने 3 मोल AgCl दिया है तो इसका मतलब क्या है कि कोबाल के साथ 6 अमोनिया बॉन्डेड हैं और वो आयंस में नहीं है। आयंस में केवल क्या है, 3Cl- आयन, और 3Cl- आयंस में है तभी तो AgCl का PPT बना है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन सभी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया गया। ऑल्दो ये वर्नर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, CONH3 का होल 6 और Cl3। अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स इसको ऐसे लिखता हूँ तो क्या ये कॉम्प्लेक्स एक्सेस AgNO3 के साथ 3 मोल AgCl की PPT दे देगा, यस या नो? यस सर। हाँ, और बी कॉम्प्लेक्स देखो ध्यान से, बी कॉम्प्लेक्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा CONH3 का होल 5 Cl, एक Cl मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर दिया और 2 Cl2 बाहर कर दिए। इस कॉम्प्लेक्स को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, क्या ये कॉम्प्लेक्स 2 मोल AgCl का PPT देगा एक्सेस AgNO3 के साथ? और इस कॉम्प्लेक्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस वाले कॉम्प्लेक्स को, तो मैं लिखूंगा CONH3 का होल 4 Cl2 और बाहर हमने लिख दिया Cl। ये कॉम्प्लेक्स केवल 1 मोल AgCl का PPT देगा। और लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा मैं, वो लिखूंगा CONH3 का होल 3 NCl3 और इस कॉम्प्लेक्स से हमें 1 भी मोल AgCl का नहीं मिलेगा। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपेरिमेंट 2 किया है हमने, इस एक्सपेरिमेंट से यही क्लियर हो रहा है कि काउंटर आयन कितने हैं जिस Cl- के। अगर इस कॉम्प्लेक्स को आप डिसॉल्व कीजिए एक्वस में तो हाउ मेनी Cl- यू विल गेट, 3 Cl- और 3 Cl- AgCl से
AgNO3 से क्या बना सकते हैं, AgCl PPT। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ और फिर आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ कि क्या बताना चाह रहा था मैं। इन बॉक्स को हटाता हूँ मैं, बीकर्स को। सारे फॉर्मूले भी चेंज हो गए। सो अभी तक मैंने क्या लिखा, ये फॉर्मूले लिखे थे CONH3 का होल 6 Cl3 और CONH3 का होल 5 Cl Cl2 CONH3 होल 4 Cl2 Cl एंड लास्ट वन था CONH3 थ्राइस Cl3 और 0। ये कॉम्प्लेक्स बने और कनेक्टिविटी एक्सपेरिमेंट भी इन्हीं कॉम्प्लेक्स से वेरीफाइड हो रहा है। अगर इस कॉम्प्लेक्स को मैं एक्वस में डिजॉल्व करूं तो टोटल कितने आयंस मिलेंगे बताइए? 4 आयंस मिलेंगे टोटल, 3 सीएल माइनस आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। इसको अगर मैं डिजॉल्व करूं, अगर मैं इसको एक्वस में डिजॉल्व करूं टोटल कितने आयंस मिलेंगे? 4 आयंस, 3 सीएल माइनस और एक कॉम्प्लेक्स आयन। अगर मैं इसको एक्वस में डिजॉल्व करूं कितने आयंस मिलेंगे बताइए? 3 आयंस, 2 सीएल माइनस आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल 3 आयंस मिलेंगे। और मैं इसको डिजॉल्व करूं एक्वस में तो यू विल गेट 2 आयंस, एक कॉम्प्लेक्स आयन एक सीएल माइनस, इसमें कोई आयंस नहीं मिलेगा, करेक्ट। अब ये सारी जो बातें हैं, इस सारे एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या है? तो ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम लोग लिखेंगे एजम्पशन के फॉर्म में कि वर्नर थ्योरी का एजम्पशंस क्या हैं एक एक्सपेरिमेंट का, तब हमें बातें कुछ और भी क्लियर होंगी। अब एजम्पशन को आप ध्यान से सुनना, इन सभी कॉम्प्लेक्स में एक बात फिक्स है, क्या सभी कॉम्प्लेक्स में क्वार्टर नंबर कितना बताया जरा? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन ऑल कॉम्प्लेक्सेस? 6। क्या सीख रहे हैं इससे? इससे आप ये सीख रहे हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम्स डू नॉट वांट टू चेंज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसी वजह से देखो यहाँ पे 6 अमोनिया थे तो आपने 6 अमोनिया अंदर रखा, और जब यहाँ पे 5 अमोनिया थे तो एक सीएल को बाहर रख दिया गया, असल बाहर से अंदर कर दिया गया क्वाड्रेशन एंटिटी के अंदर। जब 4 NH3 थे तो 2 सीएल अंदर आ गए, टोटल सीएल 3 थे ना मॉलिक्यूल के अंदर। CO Cl3 डॉट 6 NH3 में मैंने तीनों सीएल को बाहर किया, CO Cl3 डॉट 5 NH3 में मैंने एक सीएल को अंदर करके 2 सीएल को बाहर कर दिया, इसका रिप्रेजेंटेशन ये किया मैंने। तो इससे क्या सीख रहे हो कि जो क्वाड्रेशन नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है सेंटर मेटल एटम का, दैट इज फिक्स्ड, और इसी वजह से सीएल आयन जो नंबर ऑफ सीएल आयन से वो चेंज होते जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर 3 सीएल में आउट ऑफ 3 सीएल ओनली 2 सीएल कैन आयनाइज इनटू सीएल माइनस आयन, आउट ऑफ 3 सीएल ओनली 1 सीएल कैन बी आयनाइज इनटू सीएल माइनस आयन, यहाँ पर आउट ऑफ 3 सीएल ऑल सीएल कैन बी आयनाइज इनटू सीएल माइनस आयन। सो एजम्पशंस क्या निकल के आया यहाँ से जरा ध्यान दीजिएगा, और ये एजम्पशंस आपको रिपीट भी करने हैं नोट्स बनाते वक्त, इसे लिखना भी है खुद से ही। देखो नंबर वन एजम्पशंस क्या है ऑफ वर्नर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। क्वाड्रेशन नंबर का जो वर्ड है ना वो बाद में आया है, पहले हम वैलेंसी के नाम से बोलते थे, अभी समझ में आ जाएगा आपको।
तो सेंटर मेटल एटम जो होता है CMA, सेंटर मेटल एटम शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। पहला पॉइंट यही है, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी सेंटर मेटल एटम शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होती है ध्यान देना, अभी प्राइमरी वैलेंसी इज दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज दी सेकेंडरी वैलेंसीज आर दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इन दो पॉइंट्स को पहले रिपीट करो, मैंने क्या बोला मैं रिपीट करता हूँ एक बार। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी सेंटर मेटल एटम शोज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम। प्लीज रिपीट इट। According to Wern's theory, the center mass atoms are shown in two valency, primary and secondary. For second, primary valency is the oxidation number of central metal atom, and second valency is the coordination number of central metal. Okay, fine. वेरी गुड। ये दो एजम्पशन हो गए, सारे रिपीट भी करने पड़ेंगे आपको। अभी थर्ड देखो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंटर मेटल एटम, ऑफ सेंटर मेटल एटम्स आर फिक्स्ड। सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है सेंटर मेटल एटम की वो फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, एंड फिक्स मतलब देखो यहां पे सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर और सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आर फिक्स्ड एंड आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल लीगेंड एंड एन आयनिक लीगेंड। कैटायनिक में हो सकते हैं कभी कभी। देखो यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी सिक्स है लेकिन किससे सेटिस्फाइड हो रही है, ओनली न्यूट्रल सिक्स अमोनिया मॉलिक्यूल से। यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी सिक्स है लेकिन किससे सेटिस्फाई हो रही है, पांच फाइव NH3 मॉलिक्यूल से और एक एनायन Cl- से। और यहां पर आउट ऑफ सिक्स सेकेंडरी वैलेंसी फोर इज सेटिस्फाइड बाई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड टू इज सेटिस्फाइड बाई एनायनिक आयन्स Cl-। दैट्स वाई मैंने लिखा सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंटर मेटल एटम्स आर फिक्स्ड एंड आर सेटिस्फाइड बाई न्यूट्रल लिगेंड्स एंड एनायनिक लिगेंड्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी विच इज ऑक्सीडेशन नंबर आर आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी जो होती हैं वो आयनाइजेबल होती हैं एंड आर सेटिस्फाइड बाय एनायनिक एनायंस। बताइए मैं पूछूं यहाँ पे कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी क्या है, क्या जवाब दोगे इसका, क्या है प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर। बताइए यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्या यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है? +3 ऑक्सीडेशन नंबर में मींस इसकी ऑक्सीजन +3 है, और +3 ऑक्सीजन नंबर किसकी वजह से, सीएल की वजह से या अमोनिया की वजह से है? सीएल की वजह से, सीएल। हाँ सीएल,
तो देखो प्राइमरी वैलेंसी आर एलिजिबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय एनायन्स। देखो ध्यान से, इसमें प्राइमरी वैलेंसी प्लस थ्री है बट ऑल प्राइमरी वैलेंसी आर एलिजिबल। यहां पर प्राइमरी वैलेंसी फिर से प्लस थ्री है बट आउट ऑफ थ्री प्राइमरी वैलेंसी कितनी एलिजिबल है? टू। यहां पर प्राइमरी वैलेंसी थ्री है बट एलिजिबल कितनी है? वन। और यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी थ्री है बट ऑल आर नॉन एलिजिबल। तो इसका मतलब क्या, प्राइमरी वैलेंसी आर एलिजिबल, एलिजिबल होती हैं, हो सकती हैं एलिजिबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय एनायंस। एनएस थ्री का कोई रोल नहीं है प्राइमरी वैलेंसी में, सीएल का रोल है। तो ये नेक्स्ट जो है वो एजम्पशन है। इसके बाद देखो फिफ्थ में शेप ज्योमेट्री एटीसी आर डिटरमाइंड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। इट इज द सेकेंडरी वैलेंसी विच डिटरमाइन शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वाई, क्या मीनिंग है इसका? जब ऐसे लिखा होता है फॉर्मूले में तो इसका मतलब है कि कोबाल्ट का 6NH3 से बॉन्डिंग है, तो सीएल से कोई बॉन्डिंग नहीं, कोबाल्ट की आयनिक बॉन्डिंग है कह सकते हैं। तो कोबाल्ट की NH3 के साथ जो बॉन्डिंग है दैट विल डिटरमाइन कि कोबाल्ट पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ज्योमेट्री है, क्या शेप है उसकी। यहाँ पर 5NH3 और 1CL से बॉन्डिंग है तो 5NH3 एंड 1CL विल डिसाइड व्हाट इज द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द कोबाल्ट। तो इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, बेसिकली आई कैन से इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर विच डिटरमाइन द अरेंजमेंट या विच डिटरमाइन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द सेंटर मेटल एटम। शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द सेंटर मेटल एटम कह सकते हैं या ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या इन सभी एजम्पशंस को कोई रिपीट कर सकता है क्या, या आप ऐसे ही समझा सकते हो मुझे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी शोज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA, सेकेंडरी शोज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMA। यस, सेकेंडरी वैलेंसी आर फिक्स्ड एंड दे आर सैटिस्फाइड बाय द एनायनिक लिगेंड्स या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स। यस, वेरी गुड। प्राइमरी वैलेंसी को हम आयनाइज कर सकते हैं एंड दे आर सैटिस्फाइड बाय द आयंस। यस, जो शेप और ज्योमेट्री है उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द CMA या फिर हम उसको सेकेंडरी वैलेंसी। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि वर्नर ने अपने पेपर में, देखो हम लोग तो अभी यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये स्क्वायर ब्रेकेट बनाते हैं। वर्नर ने अपने पेपर में कैसे दिखाया था कॉम्प्लेक्स को, देखो COCl3.6NH3 इसको वर्नर ने कैसे रिप्रेजेंट किया था, देखो कैसे रिप्रेजेंट किया था अपने पेपर में। वर्नर ने सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया था बाय सॉलिड लाइन और प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट किया था बाय डॉटेड लाइन। ठीक है, देखो कैसे, ये कोबाल्ट है NH3 और NH3 और जो 3Cl है ना उनको उन्होंने ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट किया। ये Cl को डॉट से रिप्रेजेंट करने का मेन एम ये था, पहले इस तरीके से क्वार्टर्सिंग कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता था और डॉट लाइन का मतलब ये है कि दीज कैन बी आयनाइज दे आर द प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन सॉलिड का मतलब क्या है कि ये आयोनाइज नहीं हो सकते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी।
गेटिंग माई पॉइंट? तो सी ओ सी एल थ्री को, सी ओ सी एल थ्री डॉट सी सी एन एच थ्री को वर्नर ने इस तरह रिप्रेजेंट किया था बच्चों। तो क्वेश्चन इज कि फिर वर्नर ने सी ओ एन एच थ्री का, सॉरी सी ओ सी एल थ्री डॉट फाइव एन एच थ्री को कैसे रिप्रेजेंट किया होगा। तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने अभी क्या बताया आपको कि फाइव एन एच थ्री तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर है, साथ में एक सी एल भी है, ये तो हम लोग इस तरह स्टडी कर लेते हैं। बट वर्नर ने कैसे किया देखो ध्यान से, यहां पर एक एन एच थ्री को मैंने कम कर दिया देखो, और जो ये सी एल बचा है ना, इस सी एल को ऐसे दिखा दिया हमने, सी एल डॉट लाइन, सॉरी सॉइल लाइन और डैश लाइन। अब क्या समझे, दिस सी एल इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। क्या मेरी बात समझ रहे हो, दिस सी एल इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी एंड दिस कैन नॉट बी आयनाइज्ड। बट अगर मैं पूछूं कि इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, यू विल से थ्री। बट मैं पूछूं कितने सी एल आयनाइज कर सकते हैं, व्हाट इज योर आंसर? टू, ओनली दिस एंड दिस सी एल कैन बी आयनाइज्ड अकॉर्डिंग टू वर्नर। जरा इसका देखो, सी ओ एन एच थ्री, सी ओ सी एल थ्री डॉट थ्री एन एच थ्री, इसको कैसे वर्नर ने अपने पेपर में दिखाया था, सी ओ एन एच थ्री, एन एच थ्री और एन एच थ्री, सी एल सी एल सी एल और सी एल, मैंने ये देखो दिखा दिया डेट एस डेट एस और डेट एस। क्या समझ पा रहे हो आप लोग? अभी मैं पूछूं कि यहाँ पर कोबाल्ट का क्वेश्चन नंबर कितना है, यू विल से सिक्स। कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, यू विल से थ्री। बट कितनी प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है? जीरो, क्योंकि जो प्राइमरी वैलेंसी है दे आर द पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट एंटिटी ऑल्सो, दे कैन नॉट बी आयनाइज। तो ऑल प्राइमरी वैलेंसी इज थ्री, बट कोई भी उसमें आयनाइज नहीं कर सकती है। और एक बात आप और सीख सकते हो यहाँ पर कि अगर क्वाड्रेशन नंबर सिक्स है तो क्वाड्रेशन नंबर सिक्स तो सेटिस्फाई करने के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, सी ओ सी एल थ्री एन एस थ्री ऐसे लिख सकता था, और बाहर मैं यहाँ पर रहती थी और बाहर थ्री एन एस थ्री कर दूँ। क्वाड्रेशन नंबर सिक्स होता है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता था। इसका मतलब यह है कि पहले न्यूट्रल लिगेंड्स को अंदर करना होता है, उसका रीजन क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन एनायनिक लिगेंड्स। दैट्स वाई जब भी हमें अपने आप से फॉर्मूला बनाना होगा तो हमेशा पहले प्रायोरिटी होगी कि न्यूट्रल लिगेंड्स को अंदर किया जाए और फिर उसके बाद एनायनिक लिगेंड्स को। और क्वाड्रेशन नंबर जनरली सिक्स ही रहता है बच्चों, सिक्स होता है या फोर होता है, सेवन एट के क्वाड्रेशन नंबर तो अनस्टेबल होते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि सी ओ सी एल थ्री डॉट सिक्स एच टू ओ में कितने आयंस बनेंगे, इसका क्या बनाओगे फॉर्मूला, तो अपने आप से बनाना हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो, तो आप कैसे बनाओगे, सी ओ एच टू ओ का होल सिक्स और सी एल थ्री, पहले न्यूट्रल लिगेंड्स को अंदर करना होता है। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ क्वेश्चन ये है, प्लेटिनम फोर डॉट फाइव एन एच थ्री, पूछो कि इसमें कितने आयंस बनेंगे, इसमें क्वाड्रेशन नंबर क्या है, व्हाट इज द क्वाड्रेशन नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी, व्हाट इज फार्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ आयंस, और इसकी रिएक्शन अगर मैं एक्सेस AgNO3 से कराऊं तो कितने मोल्स AgCl के बनेंगे, AgCl कितना पीपीटी बनेगा, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाओगे इसका। अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो क्वाड्रेशन नंबर सिक्स ही रखोगे। ठीक है, अगर पॉसिबल है ना तो क्वाड्रेशन नंबर सिक्स ही रखोगे, तो कैसे लिखोगे देखो, प्लेटिनम एन एच थ्री का होल फाइव सी एल और थ्री सी एल बाहर होंगे, बताइए क्वाड्रेशन नंबर कितना है, सिक्स। इससे ज़्यादा क्वाड्रेशन नंबर नहीं इंक्रीज कर सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है बच्चों, बताइए प्राइमरी वैलेंसी, व्हाट इज द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स,
कितने AgCl के मोल प्रेसिपिटेट होंगे? 3 मोल AgCl, ये आंसर आ गया। और अगर मैं ये पूछता आपसे PtCl4.2NH3 इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, कैसे बनाओगे? NH3 का होल ट्वाइस Cl4। कितने AgCl की PPT देगा? 0। क्वार्टस नंबर इसका 6 है, प्राइमरी वैलेंसी इसकी 4 है, और इसमें AgCl PPT कितने होंगे? 0। अगर ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि इसमें 2 AgCl PPT हो रहे हैं, तब क्या बनाते हैं फॉर्मूला? इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन है तो कोई बात नहीं। अगर कह दिया कि 2 मोल AgCl, अगर इसकी रिएक्शन एक्वस A03 से कराई गई, और बोला कि 2 मोल AgCl बन गए, 2 AgCl, देन व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्स? क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स? तो इसका मतलब है 2 Cl हमको बाहर करने पड़ेंगे, तो प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl2, और यहाँ पर क्या होगा? Cl2। इस तरीके से मामला बन जाएगा। You can understand all this. ठीक है, सो वर्नर थ्योरी पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं कल कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मींस हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह के जो हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं पढ़ते थे बच्चों, कि DsP2 होगा या D2SP3 होगा या SP3D2 होगा, ये हम कल डिस्कस करेंगे सारा। तो आप ये समझ सकते हो चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर के बिना आप कभी अच्छा